उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, बहुत अच्छा मतदान हुआ है, अच्छी स्थिति है। राजनांदगांव लोकसभा से बीजेपी की जीत होगी, बाकी दो लोकसभा में भी बीजेपी आगे है। बिरनपुर की घटना पर सीबीआई जांच को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, देखिए दो चीजें हैं, घटना क्या हुई इसकी जांच होगी, आखिर घटना क्यों हुई उसकी जांच होगी, घटना कैसे आगे बढ़ा है उसकी जांच होगी। प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए, सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से जांच करेगी। भूपेश बाघेल को राजनांदगांव में रोके जाने को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, भैया मैंने पता किया है, भूपेश बाघेल अंदर जा रहे थे और उनके साथ 100 लोग और भी अंदर जा रहे थे, इसलिए उन्हें आम लोगों ने पहले रोका, बीजेपी के लोग तो बाद में पहुंचे। उनकी आदत है जुमला करने की, अकेले जाए ना, इतने लोगों के साथ क्यों जा रहे थे। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार पर तो हम पूरी बात करते हैं, महंगाई ज्यादा है क्या, अभी नियंत्रित है महंगाई, लेकिन इस तरह से बात करके वो मुद्दों से भटकना चाहते हैं। जब भी राम मंदिर की बात आती है आलू महंगा हो जाता है। नारायणपुर में कांग्रेस नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, ये दुखद है बहुत, जनता बिल्कुल उनके साथ नहीं है, इन हत्याओं के पीछे क्या मानसिकता है पता लगाना चाहिए, हम हमेशा नक्सलियों से बात लेने के लिए हमेशा तैयार है। कवर्धा में अच्छा मतदान हुआ है, 70% से अधिक मतदान हुआ है, पूरे क्षेत्र में भी 70% लगभग मतदान आ रहा है, ये अच्छी स्थिति है। जितना प्रथम चरण में हुआ लगभग उतना ही मतदान द्वितीय चरण में भी हुआ है, और कुल मिलाकर मुझे ये बहुत स्पष्टता के साथ लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत होगी। अन्य दो लोकसभाओं में कांकेर और महासमुंद में भी अच्छा मतदान है, लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है, भाजपा की जीत सुनिश्चित है। ये फिर से कायराना हरकत में चले को दिख रहा है, तेजी जिस तरह से आपने कार्रवाई कर रही है। देखिए बड़ा दुखद है ये सब कुछ, लोगों को बिल्कुल निरीह लोगों की नृशंस हत्या बहुत गलत है, बहुत दुखद है, जनता बिल्कुल उनके साथ नहीं है। अब ये सारे हत्याओं के पीछे क्या मानसिकता है स्पष्ट करना चाहिए। सरकार नक्सलियों से हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत करके स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, बात आगे बढ़ानी चाहिए। ये सीएम हार रही है इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, पोलिंग बूथ में से घुसना मना किया जा रहा है, पुलिस के दुरुपयोग है वो भाजपा कर रही है। भैया मैंने पता किया कल क्या हुआ था, तो भूपेश बघेल जी अंदर जा रहे थे, प्रत्याशी वो तो जा ही सकते हैं, उनके साथ 100 लोग अंदर जा रहे थे, तो कैसे 100 लोग अंदर जाएंगे भाई, उससे थोड़ी देर पहले ही एक महिला के बच्चे को बाहर कर दिया गया था, तो महिला ने कहा कि भाई जब मेरे बच्चे को बाहर कर दिए ये 100 लोग कैसे अंदर आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ऐसा है भाई, और उसको खैर उनकी तो आदत है, वो गूगली कर लेते हैं बार बार। क्या राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं, उन्होंने जाकर के पहले ही कंप्लेंट करना शुरू किया, मतलब एक समझदार व्यक्ति जो करता है वैसा करना वो शुरू कर दिए। मैं कहता हूँ कि भाई उनको अकेले जाए ना, उनको कोई मना थोड़े कर रहा है, लेकिन आप इतने लोगों को लेकर के जाएंगे और वो तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता तो बाद में पहुँचे, पहले तो पब्लिक के साथ हुआ उनका जो कुछ हुआ है, क्योंकि पब्लिक के लोगों को तो रोका गया था ना, और रोकना भी चाहिए भाई, जो वोट डालने वाला है वही जाएगा, एक वोट डालने के साथ अगर 50 लोग जाएंगे तो हो गया वोटिंग फिर तो। नहीं, भ्रष्टाचार पर तो हम पूरी बात करते हैं, हाँ 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक का घोटाला है, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कोयला का घोटाला है, शराब का घोटाला है, हम महादेव ऐप का, पूरी बात पर हम बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पर बात। और महंगाई की बात है तो महंगाई ज़्यादा है क्या? अभी मसला ये है कि महंगाई की जो स्थिति वर्तमान में है वह नियंत्रित ही है, और अच्छे से नियंत्रित होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन इस तरह से बात करके आप बाकी मुद्दों से बात हटाना चाहते हैं कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो आलू महंगा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उस समय कहा था कि पूरी स्पष्टता के साथ जांच की जाएगी, कैसे देख रहे हैं आप? दो बातें हैं कि घटना क्या हुई इसकी जांच, और घटना क्यों हुई इसकी जांच। घटना होने के कारण है और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है, उसमें आपराधिक प्रकरण हैं उसके लिए भी सीबीआई के साथ एक और जांच की बात उसमें है, जिसको पहले कमिश्नर दुर्ग के माध्यम से कराया गया था, उसमें एक पैनल बना करके और जांच कराने की मांग है कि आखिर ये ऐसी घटना घटी क्यों, और प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए।
उसके लिए भी जांच की जा रही है। सीबीआई मैं सोचता हूं कि पूरी तटस्थता के साथ और बहुत अच्छी जांच इसमें सीबीआई के माध्यम से होगी।